यहाँ आप हमारी सबसे रसमय प्रदर्शनी देख सकते हैं। वाह, यह सच में बहुत रसमय दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो पॉली? चलो जल्दी। यहाँ क्या चल रहा है? पॉली ऐसा मत करो, हम यहाँ की चीजों को छू नहीं सकते। अरे नहीं, ये मुझे अंदर खींच रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि अच्छा नहीं है। बार्बी चलो यहाँ से जल्दी, मुझे डर है, बहुत देर हो गई, हम भी खींचे चले जा रहे हैं। वाह, हम ये किधर आ गए हैं? देखो अब हम में से प्रत्येक के पास अपनी तिजोरी है। तुम हमेशा हरवरी में रहती हो। मैं शुरू कर रही हूँ। क्या कच्चे चिकन पैर? बहुत ही घिनौने लग रहे हैं, शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगी। नहीं, नियम के अनुसार तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हें शुभकामनाएं। ठीक है ठीक है, नहीं तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। ये पैर कितने कड़े और ठंडे हैं। छी, मुझे लगता है इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए ये पूरा खाना बेहतर है। मैं उसकी तरह नहीं कर पाती। वैसे बार्बी की तबीयत खराब हो गई है। खैर अब समय है मेरे यह देखने का कि मेरी तिजोरी में क्या है। वाह, इंद्रधनुष केक, कितना बढ़िया सरप्राइज है। पॉली देखो ये कितना मुलायम है, उंगली इसके अंदर चली जा रही है। मुझे यकीन है कि इसका स्वाद जैसा यह दिख रहा है उससे और भी बेहतर है। ओ हाँ, बटर क्रीम, मुझे इसी की जरूरत थी। काश मैं भी यह खा पाती। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर इस बार यह बिल्कुल बेकार है। इस केक का हर एक टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। शायद तुम ये मेरे साथ शेयर करो। जेन, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरे बैट से निपटना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यह लो, तुम्हें अपनी बात मनवाना आता है, और वो भी जल्दी। अरे नहीं, मैंने केक का एक टुकड़ा गिरा दिया। बार्बी अब तुम्हारी खैर नहीं है। पहले तुम अपनी तिजोरी क्यों नहीं खोलती? यहाँ हरे रंग के लिक्विड का अजीब जार है, मुझे इसका क्या करना चाहिए? हमें नहीं पता। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा पीकर देखती हूँ। अरे वाह, ये स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। यह मुझे सोडा की तरह लग रहा है। ओ, मुझे क्या हो रहा है? कैसा अजीब सा एहसास है, ये बिजली के झटके की तरह है। लगता है करंट तुम्हें भी लगा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। मैं दौड़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, कुछ करना है, कहीं जाना है। मैं पूरी दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुरंत अपनी ताकत का उपयोग करना होगा, लेकिन मुझे लगता है यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक वास्तविक उल्का हूँ। मेरी ऊर्जा लंबे समय तक रहेगी। कितना सुंदर शांत दिन है। मैं कहाँ हूँ? वाह कॉकटेल, बहुत बढ़िया। मुझे तरोताजा होने के लिए कुछ चाहिए। ये कितना स्वादिष्ट है, इतने लंबे दौड़ के बाद और क्या चाहिए। शेयर करने के लिए धन्यवाद। मैंने अपने आप को तरोताजा कर लिया है, और अब मुझे वापस जाना चाहिए, फिर मिलेंगे। मेरा कॉकटेल कहाँ गया? मैंने एक घूंट भी नहीं लिया था। हेलो दोस्तों, क्या तुम लोग बोर हो रही थी? मैं वापस आ गई हूँ। जब तक वो अपने होश में वापस नहीं आती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे कि जेन की मूछें बनाना। वाह, मैं उसके केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अब मुझे इसे खाने से कोई नहीं रोकेगा, स्वादिष्ट। मैं अपने लिए कुछ और बड़े टुकड़े लूंगी, ये बहुत ही मुलायम और रसदार है। वाह, अब और आगे मैं क्या करूँ? मेरे पास अभी भी बहुत ऊर्जा है। चिकन लेग, मुझे बार्बी के साथ शरारत करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। ये तुम्हें खिलाने का समय है मेरी दोस्त। ये लो, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। यह क्या हो रहा है? तुमने मेरे मुंह में चिकन लेग क्यों डाला? क्या तुमने मेरे चेहरे पर मूछें बनाई? बस रुक जाओ पॉली, अब तुम्हें इन सब का बदला जरूर मिलेगा। ये लो चिकन लेग। मुझे माफ कर दो, मैं सब फिर कभी नहीं करूँगी। यह मस्ती का समय है दोस्तों, हमारे सामने बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। देखते हैं मेरी तिजोरी में क्या है। अरे नहीं, यहाँ तो नींबू का पूरा पहाड़ है। ओ हाँ, तुम सही थी, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इससे मुझे अभी कोई परेशानी नहीं होगी। ओ माँ, ये नींबू कितने खट्टे हैं, जरा देखो इसमें कितना रस है, मैं इसे शायद ही बर्दाश्त कर पाऊँ। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ पॉली? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है वो टेढ़ा हो गया है, और अगर मैं ये पूरा अंत तक नहीं खाऊंगी तो ये और भी बुरा होगा। बस ये शुरू हो गया है। तुम क्या कर रही हो? बस अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बार्बी अब तुम अपनी तिजोरी खोलो। मैंने खोल भी लिया, यहाँ एक बड़ा पॉपिट है, देखो ये कितना प्यारा है। वाह, मैं इसे तुरंत खेलना चाहती हूँ, ये बहुत रिलैक्सिंग है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा समय कैसे निकल जाता है।
थोड़ी अजीब सी है। हे बार्बी, अपने होश में आओ। चलो इसे छूते नहीं है, बल्कि देखते कि तुम्हारी तिजोरी में क्या है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक प्रश्न चिन्ह यहाँ बना हुआ है, तो तुम कुछ रहस्य पाने की उम्मीद कर सकती हो। ये किसी तरह की किताब है। पॉली, क्या तुम्हें पता है किसके साथ क्या करना है? चलो कम से कम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, यह एक ब्लैक होल है। मुझे डर लग रहा है जेन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ये डरावना लग रहा है। मम्मी, इस किताब से एक हाथ निकला। यह विशाल और लाल है। अब क्या किया जाए पॉली? मुझे नहीं पता, ये सब खुद संभालो, पर मुझे अभी जाना है। बाय। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसके साथ खेलने में कितना मजा आता है। मैं बहुत तरोताजा और रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रुकना चाहती। मेरे हाथ पॉपिट पर ही पड़ रहे हैं। क्या क्या बकवास है, ये किसकी उंगली है? ये हाथ बहुत अजीब लग रहा है। हटो, जाओ यहाँ से। ये मेरी पॉपिट है। अरे मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। छोड़ो इसे, नहीं तो तुम तोड़ दोगे। ओ, मैंने कहा था, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब तुम देखना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी आंखों को नींबू का रस पसंद आएगा। ये अभी पता चल जाएगा। सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब यह लो। क्या पसंद नहीं आया? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ फिर कभी नहीं देखना चाहती हूँ। बार्बी, तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे भगाया? वाह, मॉन्स्टर भाग गया, शाबाश बार्बी। अरे कोई नहीं, यह उतना भी मुश्किल नहीं था। चलो पूरी ईमानदारी से तय करते हैं कि कौन शुरू करेगा। अरे मैं शुरू करूंगी। चलो देखिए कि हमारे पास यहाँ क्या है। ओ, सीवीट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काश मैंने तिजोरी खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं की होती, और अब मुझे ये खाना पड़ेगा। ये बहुत ही खराब लगता है, दिखने में कीड़े की तरह लगता है। मैं इसे अपने मुंह में बिल्कुल नहीं डालना चाहती। हाँ, हमें तुमसे किसी तरह की जलन नहीं हो रही है। आशा करती कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिला होगा। वाह, ये नारियल है, इसके अंदर दूध है, बहुत बढ़िया। ओ मेरे दांत, कितना कड़ा है। बेकार नारियल, मैं इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। यह लो। लगता है तुम इसे संभाल नहीं पा रही हो बार्बी, मान जाओ। अब यह क्या है? यह रिमोट कंट्रोल की तरह लग रहा है, पर मुझे इसकी क्या जरूरत है? कितनी धूल है, अब मुझे छींक आ रही है। आह, मेरा सिर, मैंने सीधे टेबल पर मारा। लगता है मैं समझ गई हूँ कि मुझे इस रिमोट की क्या जरूरत है। वाह, रिवाइंड, मैं वो सब कुछ जो हुआ है उसे वापस कर सकती हूँ। वाह, कितना अच्छा है। मुझे वो रिमोट अभी दो, तुरंत। बार्बी, लगता है तुम नाराज हो गई हो, मुझे तुम्हें रोकना होगा। तुम क्या कर रही हो? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से कंट्रोल कर रही हो। पॉली, अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है, अब मैं खेलूंगी, अब मेरे पास रिमोट है। नहीं बार्बी, ऐसा मत करो, बटन मत दबाओ प्लीज। अब बहुत देर हो गई, ये सब तुम्हारी गलती है। अब थोड़ी देर शांति से बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बार्बी, मुझे कुछ मत करो। माफ करना जे, पर अब मुझे इससे मजा आने लगा है। लोगों को कंट्रोल करना मुझे पसंद आने लगा है। अब तुम्हारे पास फिर से सीवीड का पूरा कटोरा है। तुम बहुत क्रूर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओ चलो, मुझे लगता है ये काफी मजेदार है। मजेदार? क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? चलो देखते हैं कि जब तुम मेरी जगह पर होगी तब कितना मजा आएगा। लड़कियों रुको, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, तुम रिमोट तोड़ दोगी। अरे नहीं, ये टूटने वाला है। बिल्कुल, अब केवल इसके टुकड़े ही रह गए हैं। लेकिन मेरा नारियल आखिरकार दो टुकड़ों में टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने मेरी रिमोट तोड़ दी। अब ये बटन भी काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, अब इस नारियल को खा सकते हैं। मैं हमेशा से इसे खाना चाहती थी। कितना स्वादिष्ट है यह, मुझे और चाहिए। हम भी यह खाना चाहते हैं। इस बार मैं शुरू करूंगी, मुझे यकीन है कि यह कुछ स्वादिष्ट होगा। ओह, एक साथ तीन तरह के ड्रिंक, कोला, फैंटा और स्प्राइट, यह अच्छा कॉम्बो है। अब अपने को तरोताजा करने का समय है। ओह, मुझे लग रहा है कि यह सोडा नहीं बल्कि जेली है। सुपर। बार्बी, शायद तुम्हें हमारे साथ शेयर करना चाहो? जी नहीं, ये सिर्फ मेरा है। उसे छोड़ो पॉली, चलो मेरी तिजोरी खोलते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये प्याज से आ रही है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं खा सकती, इससे मेरे आंसू निकल आते हैं। छी, बकवास। जेन, अब तुम भी बदबू मार रही हो, अब मेरा दम घुट जाएगा। मुझे अपना ध्यान हटाना होगा और अपना तिजोरी खोलना होगा। वाह, सुनहरा दीपक, मैंने इसे परियों की कहानियों में देखा है। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। मुझे पता है, इसको रगड़ना होता है तब जिन प्रकट होता है। वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा है? वाह, लगता है यह काम कर गया,
दीपक जगमगा रहा है, अब कुछ होगा। लगता है वास्तव में वो जिन है। आपने मुझे बुलाया मेरे आका? मुझे ये जिन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत बदसूरत है। मैं मजाक कर रहा हूँ पॉली, डरो मत। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोचने दो। मुझे बार्बी की तरह जेली चाहिए, लेकिन ज्यादा। जैसी तुम्हारी मर्जी, यह लो। अब मेरे जाने का समय हो गया है, अलविदा। अरे वाह, जिन ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चुप करो, मुझे मेरे जेली के मजे लेने से मत रोको। वाह, कितना स्वादिष्ट जेली है, कमाल का। तुम्हें रोक रही हूँ इसके लिए माफ करना पॉली, पर तुम इसे शेयर कर सकती हो। ठीक है, मैं शेयर करूंगी। ये लो बार्बी, ये तुम खाओ। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी ड्रेस बर्बाद कर दी, ये तुम कैसे कर सकती हो? पर तुमने खुद ही जेली मांगी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस सब से अपनी आँख मूंद लूंगी? ऐसा नहीं होगा। अब बदला लेने का समय है जिन, अब मैं तुम्हें बुला रही हूँ। हेलो बार्बी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। पॉली ने मेरी ड्रेस खराब कर दी है। All right, चिंता मत करो, अब तुम्हें पहले से भी बेहतर आउटफिट मिलेगा। वाह, अब मैं असली राजकुमारी की तरह लग रही हूँ। ये तुमने कैसे किया बार्बी? क्या तुमने मेरा दीपक लिया? मैं ये सब ऐसे नहीं छोड़ूंगी, हमें जिन को फिर से बुलाना होगा। तुम क्या कर रही हो? इसे वापस दो अभी। मैं उसे वापस बुलाऊंगी। नहीं, उसे मैं बुलाऊंगी। और वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। इसे खत्म करने का समय आ गया है। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे हस्तक्षेप करना होगा, नहीं तो ये हमेशा चलेगा। कैसी बदबू है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये काम कर गया। वाह, अब ये दीपक मेरा होगा। अब जिन को बुलाने का समय आ गया है। हेलो जैन, मैं आ गया। ओ, लगता है मैं सो गई थी। यहाँ क्या हुआ? जैन, क्या तुमने मेरा दीपक लिया? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुरंत। ध्यान से सुनो, तुम्हारे दोस्तों को मेढक में बदल दूं? आसान है, हो गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, अभी मैं जा रहा हूँ। नमस्ते, मैं सफाई करने आई हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हें अच्छी तरह से चेक करना होगा। हो सकता है तुम कुछ खतरनाक या अवैध सामान लाई हो। मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ। कुछ मिला? नहीं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तुम्हें किटकैट चाहिए? मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह मत सोचो कि काम से ज्यादा चॉकलेट मेरे लिए जरूरी है। मुझे दिखाओ बाल्टी में क्या है। बाल्टी में कुछ भी नहीं है, अभी क्या करूं? बिल्कुल सही, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके जैसे 10 और घर है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या हो रहा है? ठीक है, बाहर निकलो, कम से कम सफाई तो होगी। वाह, धन्यवाद। एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ। तीनों मिल गए। तीन? लेकिन वो तो सिर्फ एक ही है। नहीं हो सकता, मुझे तीन सुनहरी मछलियाँ मिली थी। Hey! मछली? What? मछली को दोस्त कौन कहता है? ये वो नहीं है, मेरे दोस्त। चुप रहो, पुलिस आ रही है, मछली को छुपाना होगा। छिपाना? मैं क्या करूँ, मैं उन्हें कहाँ रखूँ? अच्छा, टॉयलेट में ठीक रहेगा, पानी भी है, इसमें मछलियाँ सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। उम्मीद है उसे शक नहीं होगा। Hey! यहाँ क्या चल रहा है? सारा पानी फर्श पर क्यों है? तुम क्यों आई हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे, तुम तुरंत जगह खाली कर देते हैं। मुझे विश्वास है जैन मेरे दोस्त को ढूंढ सकती है। What's the matter with you? मेरा दोस्त, इसके बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपने कुत्ते की बहुत याद आती है। हेलो, मेरा नाम जेरी है और मैं तुम्हारी तकनीक की जांच करने आया हूँ। ये मेरा सूटकेस है, इसे देखो। सब कुछ ठीक लग रहा है, मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकती हूँ, अंदर जाओ। लेकिन रुको, सबसे पहले तुम मेरी कुर्सी को देख सकते हो, ये टूट गया है। कुर्सी? हाँ, ऐसा होता है, यहाँ सब कुछ सरल है, हमें चाहिए एक स्कॉच टेप। स्कॉच? हाँ, अंदर जाओ। ओके। फिर से अधिकारियों ने सबसे सस्ते कारीगर को बुलाया है, जाओ। यहाँ बस रोशनी की समस्या है, क्या तुम बल्ब को इसमें फिट कर सकते हो? क्यों नहीं, मेरे लिए बहुत आसान है। अब हमें यह सोचना है कि एंडी तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा करने के लिए हमें दीवार में एक बड़ा छेद करना होगा। इसके लिए एक हथौड़ा चाहिए। हाँ, जेल की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, मेरे पास एक ड्रिल है। यह क्या है? लगता है कुछ अलग ही करना होगा। आ,
यह काम करेगा। वहाँ क्या हो रहा है? चिंता ना करें, बस आपको एक बल्ब डालना है। अंत में एंडी अपने दोस्त को देखेगा। मेरा दोस्त कहाँ है? वो निश्चित रूप से ऐसे छेद में फिट नहीं होगा। क्या क्या वो एक चूहा है? What? क्या हुआ? दीवार में चूहा कहाँ है? अरे नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए भागो। नमस्ते, मैंने एक खतरनाक अपराधी को पकड़ा है। यह नेवला चोर है, हमें उसे एक सेल में रखना होगा। वाह, हर कोई लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो, सेल उस तरफ है। What? मेरा केला कहाँ है? What? वहाँ क्या चल रहा है? जेन, तुमने मेरे दोस्त को ढूंढ लिया? हाँ, वह यहाँ है। अपने दोस्त को देखकर खुशी हुई। दोस्त? लेकिन ये नेवला है, ये भयानक है, ये मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको, तुम पुलिस नहीं हो, मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अरे ओ, मेरे सारे हथियार कहाँ हैं? लगता है ये चोर वाकई में बहुत चालू है। यह क्या है? ओ, नहीं, यही सही समय है। माफ करना, लेकिन अब हमें जाना होगा। रुक जाओ, मैं अभी भी तुम्हें पकड़ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं पकड़ पाओगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह लो केला, आज के लिए यही तुम्हारा खाना है। हेलो, मैं कैदी के लिए खाना लाया हूँ। ओके। आशा है कि अंदर कोई जानवर नहीं है। हाल ही में किसी ने नेवले को लाने की कोशिश की थी। Awesome! अरे तुम क्या कर रही हो? खाने में जानवर कहाँ से होगा? ये गलत है। हाँ बिल्कुल, क्या मैं चिकन रख सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। निश्चित रूप से, बॉन एपेटिट। धन्यवाद, आखिर मैं खा सकती हूँ। एक सेकेंड, ये फर कहाँ से आया? मुझे लगता है कि मुझे पता है। एंडी, ये मैं हूँ। जेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सच्ची में? आखिरकार मैं इंतजार करके थक गया हूँ। मैंने 2 घंटे तक उसका पीछा किया। तुम्हारा दोस्त तेज और फुर्तीला है। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये खरगोश है। चुप रहो, पुलिस आ रही है। मैं सब कुछ समझ गई। ये फिर से तुम हो, और तुम फिर से जानवर लाने की कोशिश की हो। क्या? कौन सा जानवर? कमर के नीचे, वे वहाँ है। क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। तुम इसे साबित नहीं कर सकती। नहीं हो सकता, अंदर एक जानवर जरूर है। मैंने खुद चिकन पर बाल देखा है। देखो, कोई भी नहीं है। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। नहीं, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुम उसे कहीं छुपा रही हो। तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं देखा, वो केवल मुझे खाना देने आई थी। कितना होशियार खरगोश है, वो मेरे टोपी में छिप गया था। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? Could you please? देखो, मैं एंडी को देखने आई हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ। हमारा एक परिवार और एक छोटा बच्चा है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हमारा बच्चा अपने पिता को बहुत याद कर रहा है। बच्चा, बिल्कुल अंदर जाओ। एंडी ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। एंडी, हे, मैं हूँ फिर से, और ऐसा लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे दोस्त को आखिरकार ढूंढ लिया हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा दोस्त एक कुत्ता है? दोस्त, आखिरकार तुम मेरे साथ हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसे यहाँ दो, वो मोटा हो गया, इसलिए सलाखों में नहीं आ रहा है। देखो, वो भाग रहा है। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। अब क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चिड़ियाघर में क्यों बदल गई है? अरे, कुत्ता कहाँ जा रहा है? बचाओ, मदद करो, मुझ पर हमला किया गया है। एंडी को बाहर निकालने का मौका मिल गया, और चाबियां यहीं पर हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो? हाँ, तुम अभी मुक्त हो जाओगे, बस सही चाबी चुनना है। मुझे लगता है मैं कि इस जानवर को कैसे शांत किया जा सकता है। क्या तुम्हें सॉसेज चाहिए? मैं जानती थी यह काम करेगा। अब जाओ, तुम भी अब जेल में जाओगे।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं असल में बस खड़ी हूँ। मेरे दोस्त, अब तुम अपने मालिक के साथ रहोगे, लेकिन तुम दोनों को जेल में ही रहना पड़ेगा। हुर्रे दोस्त, आखिरकार हम एक साथ हैं। और मैं घर जा सकती हूँ। नहीं, तुमने इस पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर में बदल दिया था, इसके लिए तुम्हें भी जेल में ही रहना होगा। अब मुझे शांति मिलेगी। मैं जा रही हूँ खाना खाने। अंदर बहुत भीड़ हो गई है, हमें निकालो यहाँ से। जी नहीं, अब आप यहीं आराम करो। हाँ हाँ, नॉम को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली अच्छी चुनौतियों को मिस ना करें। यह मजेदार और अधिक दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहें।